आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज जी को भव्य 56 भोग लगाए गए। इस 56 भोग उत्सव में भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान भक्तजनों ने गिरिराज जी की परिक्रमा कर धर्म लाभ लिया। श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज जी को भव्य 56 भोग सजाए गए। इस 56 भोग उत्सव में भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान भक्तजनों ने गिरिराज जी मानसी गंगा के पवित्र जल के साथ परिक्रमा कर धर्म लाभ लिया। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर दान घाटी पर हर साल की भांति ये होता रहा है 13-14 दिसंबर को। इस बार भी ठाकुर जी की कृपा से ये कार्यक्रम हुआ है और ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और आप लोगों का, भक्त लोगों का जो सहयोग है वो भी हमें इसी प्रकार मिलता रहे, यही हमारी आशा है। राधे राधे। यहाँ 56 भोग, भंडारा, प्रसादी और भाइयों द्वारा भाइयों की प्रसादी, संतों की प्रसादी, बड़े प्रेम पूर्वक से उनका। कितने भक्तों ने यहाँ पे दर्शन के लिए आए होंगे आगरा? कम से कम 5,000 आदमी दर्शन करते हुए चले जाते हैं और लोग आगरे से और बाहर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और लाभ उठाते हैं। और फूल बंगले के दर्शन, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। 14 तारीख को साधु संघ सेवा एवं साधु संघ सेवा भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसमें भंडारे का और उसमें सभी धर्म लोग अपकृति, इस बार तो काफ़ी लोगों ने इस बार यहाँ उपस्थित होकर अपनी संख्या दर्ज कराई है। बहुत उत्सव ये हमारा 12वां 56 भोग है और 13वां भंडारा है। धार्मिक आयोजन में कलाकार श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में मयूर नृत्य करते नजर आए, जिसे लोगों ने खासा पसंद किया। श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा पिछले कई सालों से गोवर्धन जी महाराज के दरबार में 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिखाई देता है। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।